अलाउद्दीन खिलजी में पद्मवत ने आजम खान की याद दिला दी। जया प्रदा ने पिछली आरोपी समाजवादी पार्टी के रामपुर विधायक आजम खान को अपने राजनीतिक जीवन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। अभिनेता से बने राजनेता जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावत के नाटक में खलनायक की तुलना की है। सुश्री प्रदा ने रामपुर के विधायक को अपने राजनीतिक जीवन को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। रिप में एक घटना में संवाददाताओं से कहा, हालांकि मैं अपने भाई आजम खान को अपने भाई को बुलाता हूं। जिस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कई तरह से बदला लेने की कोशिश की, जब भी मैंने खिलजी को देखा उस चरित्र ने मुझे याद दिलाया। 2004 से 2014 तक वह उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद थे। पूर्व सपा नेता अमर सिंह के साथ उन्हें पार्टी के हितों के खिलाफ कथित तौर पर काम करने के लिए पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया था। 2015 में श्री सिंह ने आरोप लगाया कि श्री खान ने समाजवादी पार्टी से उनके निलंबन में एक भूमिका निभाई थी। जया प्रदा ने आजम खान को उसी पल स्तर पर रखा था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को उनके राजनीतिक गलतियां के अतीत में देखा जा सकता था और अलाउद्दीन खिलजी को बॉलीवुड की फिल्म में एक बर्बर चालाक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया था, जो युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते थे या सम्मान में मानते थे। आजम खान ने टिप्पणी के मुताबिक ताना मारते हुए कहा, अगर मैं किसी व्यक्ति को गाने और नृत्य के साथ मनोरंजन करता हूं तो मैं काम पर कैसे ध्यान केंद्रित करूंगा। इस घटना में एम्स प्रदा को भी महिला दिवस मनाने के बारे में अपने विचारों के बारे में पूछा गया। हमें एक दिन में महिला दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए, लड़कियां बाहर जाने से डरती हैं और यहां तक कि माता पिता भी उन्हें स्कूल में भेजने से डरते हैं, उसने कहा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा न रहना चाहिए, दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जब भी यह विभाजन खत्म हो जाएगा तब यह समाज में एक स्वस्थ माहौल लाएगा।